वेनिस रो व्यापारी यूरोप महादेशरे गोटिए देश हैला इटाली आउ एई देशरे वेनिस नामक नगर रे जणे धनी व्यापारी रहुथला। से धनी व्यापारी रो नाम थिला साइलॉक। से लोकमानंकु अधिक सुधहार रे टंका देउथला। साइलॉक बहुत क्रूर स्वभावर लोक थिला। से कहारिकु मध्य गोटे टंका छाड़ करुनथिला। आउ एही कारण थिला जे लोकमाने साइलॉक उपरे घृणा करुथिले। सेई वेनिस रे एंटोनी नामक अन्य जणे जुव व्यापारी रहुथिला। एंटोनी बहुत दयालु थिला। लोकमानंक दरकार समय रे से तांकु पैसा पत्र मध्य सहाय्य करुथिला। किंतु काहाठारु मध्य सुध नेउनथिला। आउ एही कारण पई समस्ते एंटोनी को भल पाउथिले। एंटोनी साइलॉक को आड़ आखिरी मध्य चाहुनथिला। आउ सेमानंक मध्यरु एंटोनी रा जणे घनिष्ठ मित्र थिला पासानियो। पासानियो को तार विवाह पई किछि धन आवश्यक थिला। सेथिपई से एंटोनी पाखकु सहायता पई पहुंचिला। से समय रे एंटोनी पाखरे कोनोसी धन नथिला। किंतु से जणे प्रकृत मित्र थिला। तेणु से हृदयरु पासानियोर सहायता करिबाकु चाहुथला। सेथिपई एंटोनी विवश होई साइलॉक ठारु ऋण नेबा पई चिंता कला। इहा चिंता करी से साइलॉक पाखरे जाई पहुंचिला। आउ ताकु किछि धन मागिला। इहा सुनी चालाक साइलॉक मने मने बहुत प्रसन्न हेला। से मने मने चिंता कला, इहा ही प्रकृत समय। एंटोनी को मो जालरी फसी ताकु भल कि पाने देबी। इहार गोटिए योजना प्रस्तुत करी से एंटोनी को कहिला, मु तुमको तो ऋण देदेवी, किंतु गोटिए सर्तरे। तुमे जदि ठीक समय रे ऋण पैसा फेरस्त न करिच, ताहेले मु तुम कलिजारु एक पाउंड मांस काटि नेबी। बासेनियो ता मित्र को संकट रे पकेबाकु चाहु नथिला। साइलॉक रो मनरे से किछि खराब उद्देश्य बारी पारुथला। एही स्थिति को अनुमान करी साइलॉक चतुरतार सह कहिला, अरे अरे डर नहीं, एही शर्त त मु मजारे मजारे करिथिली। एंटोनियो को निज उपरे पूरा भरोसा थिला जे शीघ्ररु अति शीघ्र ता पाखरे बहुत धन संपत्ति आसिबो। आउ से समय पूर्वरु ही सबु ऋण फेरस्त करिदबो। आउ सेथिपाई से साइलॉक रो शर्त मंजूर करी ठीक समय रे ऋण फेरस्त न करिपारिले गोटिए पाउंड मांस देबार प्रतिश्रुति देला। आउ ऋण नेला। तापरे वासानियो वालमाउंट सहर रे पहुंची उसिया नामक युवती सह विवाह कला। सेपटे एंटोनी को ता व्यापार रे बहुत घाटा हेला। ता जहाजटी सामुद्रिक तूफान रे नष्ट होइगला। से एबे बहुत बड़ भारी संकट रे पड़ी जाइथिला। साइलॉक को ता धन फेरेबार समय मध्य आसी जाइथिला। किंतु एंटोनियो पाखरे धन केउठारे थिला जे से फेरस्त करिबो। सेथिपई एंटोनी बहुत चेष्टा कला, किंतु आवश्यक धन जोगाड़ करिबारे अक्षम हेला। साइलॉक द्वारा दिया जाइथिबा समय मध्य पार होइ जाइथिला। से दुष्ट साइलॉक एही अवसर को त अपेक्षा करि बसिथिला। तेणु से न्यायालय रे मुकदमा करिदेला। से एंटोनी रो कलिजारु मांस काटी ताकु मृत्यु मुख को ठेली देबाकु चाहुथला। एबे एंटोनी रो आखि सामनारे अंधकार छाई जाइथिला। ताकु एबे आउ कोनोसी रास्ता देखा जाउ नथिला। तेणु से बाध्य होइ वासानियो को गोटिए पत्र लेखिला। वासानियो, मो जहाजटी तूफान रे नष्ट होइ जाइछि। मो व्यापार संपूर्ण रूपे बंद होइ जाइछि। सेथिपई मु धन जोगाड़ करिबारे अक्षम हेली। ऋण परिशोध करिबार समय मध्य अतिवाहित होइ जाइछि। होइ पारे मो कलिजार गोटे पाउंड मांस काटिबा परे मु आउ जीवित न रहि पारे। सेथिपई शेष थर पई तुमको मु भेट हेबाकु चाहूछि। एंटोनी रो पत्र पढ़ी वासानियोर मन भारी होइगला। से तार पत्नी पोषियो को एही दुखद समाचार शुणेला। पोषियो जणे सच्चोट हृदय स्त्रीलोक थिला। तेणु से वासानियो को कहिला, शुण, आमरी असुविधा समय रे तुम मित्र आमको सहाय्य करिछंती। आउ आजि से तुमरी पई ही संकटर सम्मुखीन होइछंती। संकटर एही घड़ी रे आमको एंटोनी को सहायता करबाकु पड़िबो। सेमितिरे भी मोर सबु धन त तुमर। तुमे एबे सांगे सांगे वेनिस नगर जाओ, आउ तुम मित्रंक जीवन बचाओ। वासानियो धन नै तुरंत वेनिस नगरी को बाहरी पड़िला। सिपटे वेनिस रे एंटोनी विरुद्ध रे मुकदमा आरंभ होई जाइथिला। सबु लोक माने साइलॉक को दया करिबा पई विनती करूथिले। वासानियो मध्य नेइथिबा टंका ठारु अधिक गुणा टंका फेरस्त करी एंटोनी रो जीवन बचाइबाकु चाहुथला। किंतु साइलॉक निज निष्पत्ति रे अटल रहिला। से तो निज शत्रु एंटोनी रो कलिजारु गोटे पाउंड मांस काटी ताकु मृत्यु मुख को ठेली देबाकु चाहुथला। आउ दुष्ट साइलॉक रो एही जिद्दी जोगु सबु लोकमानंक अनुरोध विफल होइगला।
ଆଉ ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଜଣେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓକିଲ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଆଣ୍ଟୋନିଓକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ସାଇଲକ୍ ଦେଇଥିବା ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇ ତାଠାରୁ ଧନ ନେଇଥିଲ? ହଁ, ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଏବେ ସେ ଓକିଲ ସାଇଲକ୍ଠାରୁ ଦୟାର ଅପିଲ୍ କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଇଲକ୍ର ମନ ତରଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ତ ଆଣ୍ଟୋନିର କଲିଜାର ମାଂସ କାଟିବା ପାଇଁ ଆତୁର ଥିଲା। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ସାଇଲକ୍ ହାତରେ ଆଣ୍ଟୋନିର ଜୀବନ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ହାରିବ। ଏବେ ଆଣ୍ଟୋନି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିଯାଇଥିବା ଜାଣି ବାସାନିଓକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ଏବେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶୁଣେଇଲେ, ଆଣ୍ଟୋନିଓ, ଏବେ ନିଜ କଲିଜାରୁ ଗୋଟିଏ ପାଉଣ୍ଡ ମାଂସ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ସାଇଲକ୍ ଏକ ଦୁଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ଦେଇ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଓକିଲ ସାଇଲକ୍କୁ ଅଟକେଇ କହିଲେ, ରହିଯାଅ ସାଇଲକ୍, ସର୍ତ୍ତ ମୁତାବକ ତୁମେ ଆଣ୍ଟୋନିର କଲିଜାରୁ ଗୋଟେ ପାଉଣ୍ଡ ମାଂସ କାଟିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ମାଂସ କାଟିବ ଶରୀରରୁ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ଯେମିତି ନ ପଡ଼େ, କାହିଁକି ନା ସର୍ତ୍ତ ମୁତାବକ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ସାଇଲକ୍ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ସେ ତା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଓକିଲ ମହାଶୟ କଥାକୁ ଆଗେଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଥିବ, ଆଉ ସେ ମାଂସର ଓଜନ ଠିକ୍ ଗୋଟେ ପାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ଭୁଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତାହେଲେ ତୁମେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, କାହିଁକି ନା ସର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ପାଉଣ୍ଡ ମାଂସ ହିଁ ଲେଖା ହୋଇଛି, ତାଠାରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ନୁହେଁ କି ଟିକିଏ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏ ତ ଅଦ୍ଭୁତ ସଙ୍କଟ ଆସି ପଡ଼ିଗଲା। ମଣିଷକୁ ନ ମାରି ମାଂସ କାଟିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏହା ଥିଲା ଯେ କଲିଜାର ଓଜନ ଗୋଟେ ପାଉଣ୍ଡ କମ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ଥିଲା? ଆଉ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ସାଇଲକ୍କୁ ଏବେ ନିଜ ଜୀବନର ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ଏବେ ସେ ନିଜର ସବୁ ଚାଲାକି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲା, ମୋତେ କଲିଜାର ମାଂସ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ତ ମୋ ଧନ ଫେରସ୍ତ କରିଦିଅ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାଇଲକ୍ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟୋନି ଦୟାପୂର୍ବକ ନ୍ୟାୟାଧୀଶଙ୍କୁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଣ୍ଟୋନି ସାଇଲକ୍କୁ ତାର ସମସ୍ତ ଧନ ସୁଧ ସହିତ ଫେରସ୍ତ କଲା। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବେ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓକିଲ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସଜ୍ଜନ ଆଣ୍ଟୋନିକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେନି ଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓକିଲ ଜଣକ କିଏ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଅଚାନକ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଣ୍ଟୋନିଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲେ? ଆରେ ଭାବ ଭାବ, କ'ଣ ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ବତାଉଛି। ଏହି ଓକିଲ ଜଣକ ଥିଲେ ବାସାନିଓର ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୋସିଆ, ଯିଏକି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜଣେ ଓକିଲ ରୂପରେ ଆସି ସଜ୍ଜନ ଆଣ୍ଟୋନିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ସାଇଲକ୍ର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ପାଣି ପକେଇଦେଲେ, ଆଉ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲେ।